आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो अक्सर हमारे से पूछा जाता है। अक्सर वो हमारे से एक सवाल पूछते हैं कि वो कौन सी ऐसी अलामत होती है या वो कौन से ऐसे शुरू के सिम्टम्स होते हैं जो हमें बताता है कि अब हमें साइकोलॉजिस्ट को देखने की ज़रूरत है या अपने नफ्सियाती सेहत के बारे में प्रोफेशनल से बात करने की ज़रूरत है। मेरा नाम आमना इफ्तखार है एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अक्सर औकात हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट मुख्तलिफ ज़हनी अमराज के साथ आते हैं जिसमें डिप्रेशन, एनजाइटी और इसी किस्म के बाकी बीमारियाँ होती है। तो उनकी जब फैमिली से हम इंटरेक्ट करते हैं तो अक्सर हमें पता चलता है कि उन लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं होती कि जब शुरू में ये सिम्टम्स आए थे या शुरू में उनकी ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है तो उनको आइडेंटिफिकेशन का पता नहीं होता, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये चीज़ें ज़हनी मसाइल की अलामत हो सकती है। तो वो हमारे से एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी ऐसी अलामत है या क्या ऐसे हमारे अंदर चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि अब हमने साइकोलॉजिस्ट को विज़िट करना है। तो आज मैं आप लोगों के साथ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूँगी, उन्हीं सिम्टम्स के बारे में बात करूँगी जिनके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात करते हैं या कौन सा पॉइंट होता है कि आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, तो उसमें जो पहली चीज़ आती है वो लोग जो काम करते हैं या वो बच्चे जो पढ़ते हैं तो उनकी जो पहली अलामत आती है कि आपका दिल नहीं लगता काम करने में, आपकी पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं होती, आप जो अपनी रूटीन के काम कर रहे होते हैं उससे उकताना शुरू हो जाते हैं। तो ये पहली अलामत होती है जो हम कहते हैं कि आपको नफ्सियाती इश्यूज़ की तरफ या प्रॉब्लम्स की तरफ लेकर जा सकती है। दूसरी इसमें सिम्टम आता है जो अर्ली वार्निंग साइंस में होता है कि जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी कम हुई है या आपका दिल नहीं कर रहा कोई भी काम करने को, उसके साथ आपके अंदर नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, आप हर चीज़ को नेगेटिव एस्पेक्ट्स में लेना शुरू करते। तो आप अभी कोई काम शुरू नहीं करते हो तो पहले ही उसका आप एक नेगेटिव आउटकम बना लेते हो अपने माइंड में कि ये तो होगा ही नहीं, ये मैं कर नहीं पाऊंगा या इसमें मुझे कामयाबी नहीं हासिल होगी। तो जब आपके थिंकिंग प्रोसेस नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं तो वो पॉइंट होता है कि यहाँ पर अब आपको हेल्प की ज़रूरत है ताकि आपकी ओवरऑल जो है वो ग्रोथ को इम्प्रूव किया जा सके। फिर इसमें चीज़ आती है कि आपके नींद का पैटर्न और आपके खाने की रूटीन, अगर आप नफ्सियाती किसी भी किस्म के मसले से गुजर रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो एंजाइटी है या वो डिप्रेशन है, तो उसके अर्ली वार्निंग साइंस में आता है कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आप बिस्तर पर लेटते हो और बहुत लंबा अरसा आपको है, बहुत टाइम आपको लगता है उसमें सोने के लिए। तो जब आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो इसका मतलब है कि अब आपको अपनी ज़हनी सेहत के बारे में बात करनी है। या अगर मैं खाने की बात करूँ तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है, वो रूटीन से ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं, या दूसरी तरफ उन लोगों की बिल्कुल भूख कम हो जाती है, उनका खाने को दिल ही नहीं करता। तो अगर आपकी भूख और नींद में भी चेंज आता है तो इट कैन बी द अदर रीज़न जिसको हम साइकोलॉजिकल हेल्थ के साथ रिलेट कर सकते हैं। और लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको हम अक्सर औकात इग्नोर कर देते हैं कि अगर आपके अंदर चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, आप छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, आप जल्दी गुस्से में जाना शुरू हो जाते हैं, आप इंपल्सिव रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी आपकी ज़हनी सेहत ख़राब होने की एक अलामत हो सकती है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी मसला दरपेश है या आपको लग रहा है आपके कोई फैमिली मेम्बर, आपके दोस्त जो है वो चीज़ों से उकताना शुरू हो गया, उसका काम में दिल नहीं लग रहा, उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई है, उसको गुस्सा ज़्यादा आना शुरू हो गया, उसका खाने की और सोने की रूटीन डिस्टर्ब हो गई है, तो वो पॉइंट है जहाँ पर उसको हेल्प की ज़रूरत होती है। और जितनी जल्दी हम साइकोलॉजिकल हेल्प ले उतना बेहतर इसका जो है वो ट्रीटमेंट होता है। जैसे हम अपनी फिज़िकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते इसी तरह अपनी ज़हनी सेहत को इम्पोर्टेंस दें ताकि आप अपनी भरपूर ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। थैंक यू सो मच।